समा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को टॉपिक से थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा या पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है, तो आज की जो वीडियो है वो है नायका हॉल के ऊपर। मैंने नायका से रिसेंटली कुछ अभी शॉपिंग की थी, परचेज़ किया था। तो ये है मेरा जो बॉक्स जिसमें मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना उन प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर किया जाए। मे बी आपके लिए कुछ हेल्प हो सके, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ है वो है ये निका के का छोटू सा आई पैलेट। ये क्यूट सा आई पैलेट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है प्लम शुगर जिसमें सारे पिंक शेड हैं। और मैंने दो आई पैलेट परचेज़ किए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी है। आई थिंक 600 का ईच पैलेट है ये एक पैलेट, बट डिस्काउंट में ये मुझे 300 का पड़ा। तो फिर मैंने दो लिए, तो दोनों के ही पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है और अच्छे हैं और आप देख सकते हैं इसको मैंने आज आइस पर यूज़ भी किया है। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये कंसीलर मेबेलिन फिटमी का। और आप लोगों ने मेरी बहुत सारी मेकअप वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ या फिर एले गर्ल का कंसीलर। ये दोनों मुझे ये बेस्ट है, मुझे सबसे बेस्ट लगता है और मेरा शेड है 40 कैरेमल। नेक्स्ट है ये हेयर कॉम, आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा ओपन भी कर लिया है। तो मैंने ये हेयर स्टाइल वगैरह के लिए ऑर्डर की है, ये मेबेलिन का काजल ये ऑर्डर। नेक्स्ट देन वी हैव मैट लिपस्टिक्स, लॉरियल पेरिस की ये मैट लिपस्टिक्स हैं। थ्री शेड्स मैंने ऑर्डर किए थे ये, एंड थ्री शेड्स। फर्स्ट शेड है आई चूज़, आप देख सकते हैं आज मैंने आई चूज़ 221 ये शेड यूज़ भी किया है, अप्लाई कर रखा है। नेक्स्ट शेड है आई अमेज, एंड थर्ड वन इज़ आई एम वर्थ इट। तो ये तीन शेड्स मैंने ऑर्डर किए हैं और मैं इनकी स्वाचेस आपको भी दिखाती हूँ। और ये बहुत ही फर्स्ट वन इज़ ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। नेक्स्ट आई अमेज 130 शेड, एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट, ये मेरा फेवरेट शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है ये। एंड लास्ट शेड है हमारे पास 115 आई एम वर्थ इट, और ये एक रेड शेड है। ये है मेबेलिन का हाइपर कर्ल इजी वॉश। इससे पहले जो मेरे पास मस्कारे हैं वो वाटरप्रूफ हैं, और जब भी मैं मेकअप करती हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस मेकअप करने में, उसके बाद सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है उसे उतारने में। आप देख सकते हैं स्किन का भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक हो जाता है स्किन, बहुत बार उसमें पिंपल्स आ जाते हैं, मतलब हार्म तो ऑब्वियसली मेकअप है तो हार्म होगा, भले आप कितनी भी उसकी केयर करो बट थोड़ा बहुत तो होगा। बट हाँ, ज़रूरी है आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करो और पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करो तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। जैसे मैं फॉलो करती हूँ तो इतनी हार्म नहीं होता है मेरा स्किन मेकअप से। मैंने ये इजी वॉश जो कि वाटरप्रूफ नहीं है ये मस्कारा, ये मैंने परचेज़ किया था इसलिए ताकि जब भी मैं मेकअप करूँ वीडियोज़ के लिए तो फटाफट हट जाए। बट सीरियसली मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ इसे परचेज़ करने के बाद। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी मत करना, बट हाँ बाकी आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम इसे किया एक वीडियो में किया था तो वो मेरी पूरी वीडियो स्पॉइल हो गई थी। ये मस्कारा लिटरली इतना ज़्यादा फैल रहा था, मतलब मेरी पूरी आई लैशेस पे, सब जगह नीचे ऊपर चारों तरफ ये इतना ज़्यादा फैल रहा था, मैं बता नहीं सकती। तो इससे अच्छा बेस्ट है ना वाटरप्रूफ करो, कम से कम आपकी मेहनत तो बेकार नहीं जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हम जब वीडियो बनाते हैं, मेकअप अप्लाई करते हैं, रेडी होते हैं, आप देख सकते हैं हमारी जो कॉस्ट्यूम है उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कैरी करके रखना पड़ता है। तो प्लीज़ आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। था मेरा नायका हॉल, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका रिव्यू हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का जो लिंक है यहाँ दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खमा घनी।